होल्टर जिसे हम कहते हैं नॉर्मली होल्टर इज एम्बुलेटरी ईसीजी रिकॉर्डिंग। बेसिकली क्या होता है, बहुत से पेशेंट को दिल की धड़कन कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, बेचैनी होती है, बीच बीच में धड़कन में घबराहट होती है, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका एक ईसीजी टेस्ट कराते हैं। तो ईसीजी इज लाइक टेकिंग अ फोटोग्राफ। आपने किसी का एक फोटो लिया, उस टाइम यदि धड़कन नॉर्मल है तो नॉर्मल निकलेगी, लेकिन पेशेंट बोलेगा साहब मेरे को तो कभी भी धड़कन हो जाती है, कभी रात में होती है, कभी सुबह होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एक 24 घंटे का कंटिन्यू ईसीजी रिकॉर्डिंग लगाते हैं, जिसे होल्टर रिकॉर्डिंग कहते हैं, कि आपने एक फोटो खींचने की बजाय एक मूवी रिकॉर्डिंग कर दी 24 घंटे की। इसमें जब भी धड़कन असामान्य होगी, पेशेंट बता देगा कि साहब मुझे, मैं उठा सुबह 6:30 बजे तब धड़कन अनईजी लगी थी, या मैं दौड़ रहा था उसके बाद धड़कन मेरी बहुत टाइम तक बहुत तेज रही, तो उसमें पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और कंप्यूटर के थ्रू आप समय के अनुसार उसका एनालिसिस कर सकते हैं। पेशेंट के बीच में धड़कन कम ज्यादा हो रही है, कोई अरिथमिया हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी 24 घंटे 48 घंटे के होल्टर के थ्रू हमें मिल जाती है, जो बहुत ही सिंपल और सुलभ टेस्ट है, और यह हम सिलेक्टेड मरीज में डॉक्टर की सलाह पर कराना चाहिए।